हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है निफ्टी में, और अगर आप 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का देखो तो लास्ट 3 दिन का अगर आप मूवमेंट देखो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ये 26 अक्टूबर था, ये 27 अक्टूबर था, और ये 28 अक्टूबर है। लास्ट 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, आप देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ से फॉल और कंटिन्यू हो सकता है, और एक्सपायरी हमें नीचे के लेवल तक देखने को मिल सकती है, 11,600 या 11,550। कल आपको अगर कोई भी इंट्राडे बाउंस मिलता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, कोई भी लॉन्ग पोजीशन मत रखना, शॉर्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, और कॉल सेलिंग पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो सेम सेटअप है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, और बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है अगर ये लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 23,500 के आसपास एक्सपायरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो उसके हिसाब से आप ऑप्शंस में अपना पोजीशंस बना लेना, कॉल सेलिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, और अगर अगर आपका कैपिटल कम है तो आप पुट बाइंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। एक्सपायरी नीचे की तरफ होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मुथूट फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आप ये पैटर्न देखो तो ये बेरिश हरामी पैटर्न है, और इसमें अगर फॉलो थ्रू कैंडल आएगा तो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1150 या 1100 तक का फॉलो हमें देखने को मिले। मुथूट फाइनेंस में इंट्राडे के लिए हम लोग शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में अगर आप देखो डबल टॉप बन चुका है, और इसमें भी बेरिश हरामी पैटर्न बनाया है, इसमें भी मुझे लगता है फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, और 245 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सो 500 रुपये के लिए हम लोग इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, 490 तक गया ये, लेकिन इसने जो कैंडल कंप्लीट किया है वो बहुत बेरिश कैंडल कंप्लीट किया है इसने। अब इसका जो लो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 442। अगर इसके लो के नीचे अगर जाता है तो हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, और वापस हो सकता है ये 400 तक आ जाए। सो इंट्राडे के लिए और पोजिशनली दोनों के लिए काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा भारतीय एयरटेल। 442 445 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो टूटता है तो 8-10% का हमें फॉल इसमें देखने को मिल सकता है। सो इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के लिए काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।